दीपक सर जीके में आप लोगों का स्वागत है। मैं दीपक चौधरी आप लोगों के लिए एसएससी सीजीएल का जो 3 मार्च का फर्स्ट शिफ्ट का एनालिसिस लेके आया हूँ। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं, जो कि आप ही लोग के द्वारा भेजा हुआ क्वेश्चन है। अगर आप लोगों को लग रहा है जो कुछ और क्वेश्चन छूट गया है, तो क्वेश्चन को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, और या तो आप मेरे व्हाट्सअप नंबर पर भी सेंड कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर है 8409711664, 8409711664। इस पर भी आप मैसेज करके अपने क्वेश्चन भेज सकते हैं, और मैं इसका एनालिसिस आपके यूट्यूब वीडियो पर कर दूंगा, दीपक सर जीके पर कर दूंगा। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। चलिए क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की निकाय है? संघ तथा राज्य लोक सेवा आयोग किस प्रकार की निकाय है? तो किस प्रकार की निकाय है? सलाहकारी निकाय है। क्या है? सलाहकारी निकाय है। सलाहकारी निकाय है। क्या है? सलाहकारी निकाय है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, देश के सार्वजनिक धन संरक्षण कौन करता है? देश के सार्वजनिक धन संरक्षण कौन करता है? इसका आंसर आप लोगों को कमेंट बॉक्स में कमेंट दीजिए। इसका आंसर हो जाएगा नियंत्रक, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक, नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है जो नेक्स्ट चलते हैं, ये दोबारा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? लोक सेवा आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1926 में हुआ था। कब हुआ था? 1926 में हुआ था। नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट है, एक मिनट रुक जाइए। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? अशोक मेहता समिति का गठन कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको, अशोक मेहता समिति का गठन 1977 में हुआ था, और सदस्यों की संख्या 13 था, सदस्यों की संख्या 13 था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट था आपको क्वेश्चन, तेजारिया एवं मंदारिया शब्दावली किससे संबंधित है? यह किससे संबंधित है? शेयर बाजार से संबंधित है। किससे? शेयर बाजार से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन था आप लोगों का, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था जो, भारत का पहला सबसे पुराना बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना कब हुई थी? तो कब हुआ था ये आपको? 1875 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1875 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट था, संसद द्वारा अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या होता है? संसद द्वारा अर्थशास्त्र में निवेश का अर्थ क्या था? तो अर्थशास्त्र का निवेश क्या था, अर्थ क्या था? शेयरों की खरीदारी करना, शेयरों की खरीदारी करना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज आपको किसने किया था? लुईवेनहॉक ने किया था। किसने? लुईवेनहॉक ने किया था। जीवाणु की खोज लुईवेनहॉक ने किया था। नेक्स्ट था आप लोगों को, नेक्स्ट था, नेक्स्ट है आपको, हाँ, शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है? शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, यह क्वेश्चन था। तो इसका आंसर हो जाएगा आप लोगों को, जो सेल्यूलोज की, किसकी बनी होती है? सेल्यूलोज की बनी रहती है। शैवालों की कोशिका भित्ति सेल्यूलोज की बनी रहती है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मिनट रुक जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, एक मिनट वेटेज, हाँ नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट है, शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है? नेक्स्ट क्वेश्चन था, तो शैवालों का अध्ययन आपको क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? फाइकोलॉजी कहलाता है। शैवालों का अध्ययन फाइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, नेक्स्ट है, कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो माइकोलॉजी कहलाता है। क्या कहलाता है? माइकोलॉजी कहलाता है, माइकोलॉजी कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन था आपको, नेक्स्ट क्वेश्चन था, विषाणु की खोज किसने की है? विषाणु की खोज किसने की है? विषाणु की खोज किसने की है? तो विषाणु की खोज आपको इवानोस्की ने की है। किसने? इवानोवस्की ने की है, इवानोवस्की ने की है। नेक्स्ट चलते हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों को, नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एक मिनट, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अवतारक अशांत के कारण किस वर्ष राष्ट्रीय आपातकाल लागू हुआ था? तो राष्ट्रीय आपातकाल कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। कब लागू हुआ था? 1975 में लागू हुआ था। ठीक है,
नेक्स्ट चलते हैं, संविधान की आत्मा किसे कहा जाता है बताइए, कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए, 25 सेकंड आपके पास। संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, कमेंट कीजिए, जल्दी कीजिए, जल्दी फास्ट। तो संविधान का आत्मा किसे कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, अनुच्छेद 32 को कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी, नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी बताइए इसका आंसर, नगर निगम की स्थापना कब और कहाँ हुई थी। तो नगर निगम क्या स्थापना 1687 में मद्रास में हुआ था, कब हुआ था 1687 में मद्रास में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है हाइड्रोफेविया रोग किस कारण होता है, हाइड्रोफेविया रोग बताइए, कमेंट कीजिए, 25 सेकंड आप लोग पास, बहुत आसान क्वेश्चन है, 25 सेकंड है आपके पास, टाइमर लग गया है। हाइड्रोफेविया रोग किस कारण होता है, हाइड्रोफेविया रोग किस कारण से होता है बताइए इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा कुत्ते की काटने से, किसके काटने से, कुत्ते की काटने से होता है हाइड्रोफेविया, कुत्ते के काटने से होता है हाइड्रोफेविया, किसके किससे क्यों होता है, तो कुत्ते के काटने से होता है, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, हाइड्रोफेविया रोग किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफेविया रोग किसके द्वारा होता है, हाइड्रोफेविया रोग किसके द्वारा होता है, तो बताइए किसके द्वारा होता है, तो आपको विषाणु द्वारा होता है, किसके द्वारा, विषाणु द्वारा होता है। नेक्स्ट चलिए, चलिए नेक्स्ट हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, इंपॉर्टेंट क्लास चल रहा है, नेक्स्ट है आप लोगों का चीनी आक्रमण के, एक मिनट, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी बताइए इसका आंसर, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी, राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कब की गई थी बताइए इसका आंसर, इसका आंसर हो जाएगा चीन के युद्ध के समय, चीन के आक्रमण के समय 1962 में, चीन के आक्रमण के समय 1962 में, चीन के आक्रमण के समय 1962 में किया गया था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, भारत में मतदान की वायु 21 साल से घटाकर 18 साल किस संशोधन से किया गया था, 25 सेकंड है आंसर दीजिए, 25 सेकंड है आंसर दीजिए, आंसर दीजिए, 25 सेकंड है आपके पास, 25 सेकंड, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 में, 61वें संविधान संशोधन 1989 में हुआ था, ठीक है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट है फिर से वही भाग आता है, बार बार भाग आता है, हाँ, संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो कितनी होती है संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या 10 होती है, कितना 10 होता है, कितना 10 होता है, संघ लोक सेवा आयोग की सदस्यों की संख्या 10 होता है, ठीक है, 10 होता है। नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट है चुनाव आयोग कैसी संस्था है, चुनाव आयोग कैसी संस्था है, चुनाव आयोग कैसी संस्था है बताइए, तो चलिए हम लोग चलते हैं, स्वतंत्र संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है, चुनाव आयोग कैसी संस्था है, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था है। चलिए नेक्स्ट चलते हम लोग, नेक्स्ट है सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे बताइए इसका आंसर, सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 1951 से 1952 के बीच में, 1951 से 1952 के बीच में सर्वप्रथम आम चुनाव कब हुए थे, 1951 से 1952 के बीच में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, नेक्स्ट है राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है, राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन प्रदान करता है, इसका आंसर हो जाएगा आपको निर्वाचन आयोग, कौन करता है, निर्वाचन आयोग करता है। नेक्स्ट है प्रथम मुख्य चुनाव आयोग कौन था, आयुक्त कौन थे, प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त की कौन थे, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सुकुमार सेन, सुकुमार सेन कौन थे, सुकुमार सेन थे, ठीक है। तो आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा हो, अगर और क्वेश्चन आप लोगों के पास है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, मेरा नंबर है 8409711664, व्हाट्सएप पर भी कमेंट कर सकते हैं, ठीक है, क्वेश्चन भेज सकते हैं, उसका एनालिसिस मैं करके वीडियो बना दूंगा, ठीक है। तो ये था फर्स्ट शिफ्ट का, तो आशा करता हूँ क्लास अच्छा लगा हो, तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर भी किया करें, ठीक है, दोस्तों में शेयर करें जिसको आंसर का जरूरत है, ठीक है। तो क्वेश्चन बताया और आंसर भी जानिए, और
जिसका 4 तारीख को एग्जाम है उसके लिए मैं मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपको 6-7 बजे रात में आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट साइंस और जीके का क्वेश्चन अपलोड करूंगा, तो उसको भी देखना ना भूले। तो चलिए, क्लास अच्छा लगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।